आज हमारे साथ बात करने के लिए वो गायिका मौजूद हैं जिन्हें इनकी खनकती हुई आवाज़ के लिए जाना जाता है, जिन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग भी की है, कंपोजिंग भी की है और इन्होंने गाने भी गाए हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फोक प्लेबैक सिंगर इला अरुण जी। इला अरुण जी, सबसे पहले तो आपका R9 TV में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं, आज आप यहाँ पे पहुँची हैं एक प्रोग्राम के लिए, क्या कहना चाहेंगी इसके लिए यहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में? ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा, सेठ मंगतूराम जयपुरिया स्कूल, इन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और मैंने अभी भी कहा कि मैं थोड़ी स्वार्थी हूँ क्योंकि जब भी मुझे इस तरह का आमंत्रण मिलता है और इतने अच्छे प्रोग्राम्स अगर देखने को मिलते हैं और बच्चों से अगर साक्षात्कार होता है तो यू आर रिविजिटिंग। और मैं कहना ये चाहूँगी, मैं कह रही थी बच्चों से कि भैया मैं तो बड़ी डिप्राइव्ड थी, मेरा तो म्यूनिसपैलिटी का स्कूल था, मेरी ये ठाट बाटनी थी, अब अगर इनको इतने प्यार से रखा जा रहा है तो मुझे इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि ये बहुत आगे जाएंगे। इला जी, आपने काफ़ी फोक सॉन्ग्स गाए हैं, बात करें अगर हम रिंग रिंग रिंगा की या रेशम का रुमाल या फिर होलिया में उड़े रे गुलाल, लेकिन आज के समय में मूवीज़ में ऐसे गाने नहीं आ रहे हैं जबकि ट्रेडिशन को लेके बात चलती, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ मिसिंग है क्योंकि इन गानों को पसंद किया जाता था उस टाइम पे? लोकगीत का तो क्या है कि लोकगीत अपने आप में जैसे खेत में गेहूँ की बालियाँ उगती हैं, लोकगीत और लोक कहानियाँ भी ऐसे ही हमारे चारों ओर बिखरी हुई हैं, जो ले ले वो ले ले, ठीक है। अभी फोक संगीत का बड़ा अच्छा इस्तेमाल बॉम्बे में बॉलीवुड में किया गया है, क्लासिकल को भी सबको, पर अभी कुछ दूसरा युग आया जो है रैप का, और उसमें अगर जहाँ बादशाह है तो फिर वहाँ रानियाँ कैसे चलेंगी फिर तो कुछ ये भी इस, और उसकी जो ऑडियंस है अपनी जगह है। अगर एक होता है ना उल जलूल का भी संगीत होता है, आई कैन नॉट से व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, पर यह है कि लोक संगीत की ताकत को नहीं नकारा जा सकता है। मन ये है कि नवाबों के शहर से तमीज़ ले जाऊं, अदब ले जाऊं, ज़रूर इसके बाद सेकंड में चिकन के कुर्ते पे जाऊंगी, इतने सारे ले गई हूँ कि घर में जगह नहीं बम्बई के घर में, फिर एक दो तो ले ही लूँगी, पर जो नवाबों के शहर की जो एक अपनी खुशबू इत्र की तरह है ना, उसको कोई नहीं मिटा सकता। वो कान में जो फुरैरी लगा दी, मोगरा में गई थी एक बार, यहाँ आई थी मैं चौक में चली गई तो मैंने कहा ये मोगरा वोगरा मैं बांध लूँ, वो एक अपना है। दिस इज़ क्या कहते हैं, गंगा जमनी सभ्यता, ये तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, यहाँ सारी ही संस्कृतियाँ सारे मज़हब के लोग एक साथ बड़े प्यार से रह रहे हैं और रहेंगे, इसका मुझे पूरा पूरा यकीन है और एतबार है। इला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज R9 TV से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी फेमस फोक प्लेबैक सिंगर इला अरुण जी, जिन्होंने आज लखनऊ में पहुंच के हमसे बात की और लखनऊ की तहजीब के बारे में भी हमको बताया। संदीप के कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।